आज मैं आपके लिए एक हिंदी स्टोरी लाई हूँ। अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करें आज की कहानी। आज की कहानी का नाम है चिड़िया और चींटी। एक बार एक गांव में एक बड़ा सा पेड़ था जिसके ऊपर एक छोटी सी प्यारी सी चिड़िया रहती थी। चिं 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 चूं चूं करती आई चिड़िया, चूं चूं करती आई चिड़िया, प्यारी छोटी आई चिड़िया, चूं 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 चूं। और वही पेड़ के नीचे एक चींटियों का छोटा सा घर था जहाँ चींटियाँ रहती थी। एक बार क्या हुआ, चिड़िया जब सुबह उठती है तो हर रोज़ उसने देखा कि ये चींटियाँ तो सुबह से लेके निकल पड़ती है सब साथ में और खाना इकट्ठा कर करके अपने घर में भर रही है। तो चिड़िया ने सोचा, अरे इतना सारा खाना कोई ले लाता है भला, इतना तो ये छोटी सी चींटियाँ खा भी नहीं पाएगी। तो चिड़िया ने सोचा, लाओ मैं जाके चींटियों से ही पूछती हूँ कि इतना सारा खाना क्यों आखिर इकट्ठा कर रहे हैं। और तभी एक छोटी सी चींटी अपने पीछे एक बड़ा सा खाने का टुकड़ा उठा के जा रही थी। तभी चिड़िया आई, च्यू च्यू च्यू, अरे ओ चींटी, इतना सारा खाना लेके कहाँ जा रही हो। चींटी ने कहा, अरे हम लोग सब खाना इकट्ठा कर रहे हैं और हम अपने घर में रखेंगे ये सब खाना, लेकिन इतना सारा खाना क्यों चींटी, इतना तो तुम खा भी नहीं पाओगे। अरे चिड़िया, तुम्हें पता नहीं है अभी सर्दी की मौसम आने वाली है, तो सर्दी की मौसम में ना हम बाहर जा पाएंगे और ना ही हम खाना ढूंढ पाएंगे, तो फिर क्या करेंगे, भूखे थोड़ी ना मर जाएंगे, इसीलिए हमने अभी से खाना इकट्ठा कर लिया है। और मेरी मानो तो तुम भी अपना खाना इकट्ठा करके रख लो, नहीं तो फिर भूखे मर जाओगे। और फिर चींटी चली गई और चिड़िया ने सोचा, हाँ चींटी की बात तो सही है, लेकिन अभी तो बहुत टाइम बाकी है सर्दी आने में, तब तक मैं कर लूँगी, बहुत टाइम पड़ा है, अभी तो मैं घूमूंगी फिरूंगी मज़े करूँगी, अभी से कौन मेहनत करे। करके चिड़िया भी उड़ गई। अब थोड़े दिन बाद इस साल सर्दी की मौसम जल्दी आ गई और बहुत ज़ोरों की ठंड पड़ने लगी। अब चिड़िया अपने घर में, उसे बहुत ठंड लगने लगी, ओह, और वो सोचने लगी, अरे ये तो सच में बहुत ठंड पड़ रही है, अब मैं बाहर खाना लेने कैसे जाऊंगी, ये चींटी की बात एकदम सही थी, मुझे खाना अपने लिए इकट्ठा कर लेना चाहिए था, अब मैं क्या करूं, ओह। और इस तरफ चींटियों ने अपना खाना पहले से जमा करके रख दिया था, समय से पहले उन्होंने अपना इंतज़ाम कर लिया था खाने का। तो सब चींटियों ने मिलके पूरी सर्दी की मौसम अच्छे से खाना खाया और उन लोग को कोई भी मुसीबत नहीं आई, जबकि चिड़िया वो उसको तो भूखे ही रहना पड़ा क्योंकि उसने समय पे खाना इकट्ठा नहीं किया था। तो ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है बच्चों कि हमें अपना काम अपने समय पर करना चाहिए, जैसे समय पे खाना, समय पे सोना, समय पे पढ़ाई करना और समय पे खेलने जाना। एक बार अगर समय चला गया तो हम कुछ नहीं कर पाते, इसलिए हमें समय का महत्व समझना चाहिए। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मिलते हैं अगले फ्राइडे नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।